हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही इजी और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी सिखाऊंगी, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है पोहा। दोस्तों, पोहा को लेकर एक बहुत ही सुंदर स्टोरी प्रचलित है। कहते हैं जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए थे तो वो पोहे लेकर ही गए थे, जिसे देखते ही कृष्ण जी को अपने बचपन की सारी स्मृतियाँ याद आ गई थी। तो चलिए बनाते हैं पोहे। हमें चाहिए 50 ग्राम मूंगफली, एक गाजर, एक शिमला मिर्च, एक मीडियम प्याज, कुछ करी पत्ते, दो हरी मिर्च, एक नींबू, दो छोटे चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, काली राई और हल्दी एक चम्मच। यहाँ हमने 2 कप पोहे लिए हैं, जिसे हम पानी से धो लेंगे। याद रखिए, यहाँ हमें पोहे भिगोने नहीं हैं। अब हम पोहे से पानी अलग कर लेंगे और इसे एक स्ट्रेनर में रख के कुछ देर साइड में रख देंगे, जिससे इसका पानी निकल जाएगा। अगले स्टेप में हम मूंगफली को फ्राई कर एक साइड में रख लेंगे। अब उसी तेल में हम राई छटकाएंगे, साथ ही हरी मिर्च, करी पत्ता और प्याज भी फ्राई कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च मिला देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें हल्दी, चीनी और थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डालने से हमारी सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। अब हम सब्जियां ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें पहले से भीगे हुए पोहे मिला लेंगे। और फाइनली थोड़ा सा नमक और नींबू का रस डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 नींबू का रस डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लीजिए, हमारा पोहा तैयार है। अब हम पहले से भुनी हुई मूंगफली, धनिया और सेब के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। तैयार है हमारे पोहे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आप रेसिपी अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्राई कीजिए और इसका आनंद उठाइए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा।